सिंपल एंगल फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे थीटा है, तो थीटा आपका एक एंगल है, तो उसका ट्रिपल एंगल क्या होता है, थ्री थीटा, दैट वी कैन से, तो थ्री थीटा इज द ट्रिपल एंगल हियर। द नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन थ्री थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थ्री थीटा, कैन यू एक्सप्लेन मी दिस पॉइंट, साइन थ्री थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर फोर साइन साइन थ्री थीटा3 sin theta minus 4 sin q theta. This is clear or not? Yes. 4 sin q theta. Ye kahan se aata hai? Same as 3 theta ko aapka likhoge. 2 theta plus theta. So sin a plus b se hi aata hai. Solve karne ke baad. 3 sin theta minus 4 sin q theta. This is clear or not? This is clear na? Next part is what cos theta. Cos theta is equal to 4 cos q theta minus 3 cos theta. This point is clear or not? Cos theta is equal to 4 cos q theta minus 3 cos theta. Same as you can solve this question, 3 theta is equal to 2 theta plus theta. So this becomes what? 4 cos q theta minus 3 cos theta. This is clear na? Next part of this is tan 3 theta. So tan 3 theta is equal to what we can say, 3 tan theta minus tan q theta upon 1 minus 3 tan square theta. This is clear or not? So tan 3 theta is equal to 3 tan theta minus tan q theta upon 1 minus 3 tan square theta. This point is clear to all of you? Yes. You have cleared? Okay. So tan 3 theta is equal to 3 tan theta minus tan q theta upon 1 minus 3 tan square theta. तो इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चंस कैसे आएंगे? तो क्वेश्चंस देखो, आपको ऐसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसको याद करने का फॉर्मूला कैसा, क्या तरीका होगा? व्हाट इज द मैटर टू रिमेंबर दैट? देखो, जब भी साइन थ्री थीटा पूछा जाए ट्रिपल एंगल का, तो इसका थ्री जो है वो आगे आ जाता है, तो थ्री हो जाएगा और साइन थीटा होता है, मींस सिंगल एंगल के साथ। उसके बाद माइनस हो जाता है, फोर आता है इसके साथ, एंड साइन क्यू थीटा, थीटा की पावर थ्री हो जाती है। दैट वी कैन से नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज कॉस थ्री थीटा, क्या हो जाएगा आपका, फोर कॉस क्यू थीटा, कॉस की पावर थ्री हो जाती है थीटा, माइनस थ्री कॉस थीटा, ठीक है, तो माइनस थ्री कॉस थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज टेन थ्री थीटा इज इक्वल टू थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। दिस इज क्लियर और नॉट? दिस इज क्लियर ना? आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, जैसे ऐसे पूछ लेगा कि साइन थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा प्लस फोर कॉस क्यू थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा। ऑप्शन में आपको दिया रहेगा साइन फोर थीटा प्लस साइन थ्री थीटा, बी नंबर ऑप्शन इज साइन थ्री थीटा प्लस कॉस थ्री थीटा, इस बार भी ऐसा क्वेश्चन आया था, सेम एज साइन थ्री थीटा प्लस कॉस थ्री थीटा अपॉन टू, एंड डी नंबर ऑप्शन इज नॉन ऑफ दिस। हाउ कैन यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? देखो, साइन थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा दिस इज गिवन प्लस फोर कॉस क्यू थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा। तो बच्चे क्या करते हैं कि साइन थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख देते हैं, उसके बाद जो है अलग अलग जो है इसमें आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं। क्लियर है? फोर इसमें क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, दिस बिकम्स कॉस क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा। तो ऐसे वो करते हैं, लेकिन नहीं, यू हैव नॉट टू डू लाइक दिस। ओके, व्हाट यू हैव टू डू कि साइन थीटा माइनस, सॉरी, थ्री यहाँ पे थ्री है, ठीक है, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यू थीटा। किसका फॉर्मूला है? साइन थ्री थीटा का। एंड द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस की थ्री कॉस थीटा, ठीक है, थ्री कॉस थीटा माइनस में है फोर कॉस क्यू थीटा, किसका फॉर्मूला हो गया आपका, कॉस थ्री थीटा का। तो दिस बिकम्स व्हाट, साइन थ्री थीटा प्लस कॉस थ्री थीटा, बी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्ट। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? क्लियर है सबको? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री कॉस थीटा प्लस कॉस थ्री थीटा अपॉन थ्री साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, ए नंबर ऑप्शन इज गिवन,
1 plus cot square theta. B number option is given, cot 4 theta. And C number option is given, cot q theta. And D number option is 2 cot theta. This is clear or not? Sir, this cop can be solved. ABC far out. Try to solve this part. Next question is the value of sine 5x minus 2 sine 3x plus sine x upon cos 5x minus cos x is. A number option is tan 5x, B number option is tan x, and C number option is sin x, and D number option is none of this. Next question is aapka, if A is equal to sin 170 degree plus cos 170 degree, then A number hai A is greater than 0, B number hai A is less than 0, C number is A is equal to 0, and D number is A is equal to 1. क्लियर है? ये आपको सॉल्व करना है. देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 3 cos theta plus cos 3 theta upon 3 sin theta minus sin 3 theta. ठीक है, इसको कैसे करेंगे? 3 cos theta plus cos 3 theta, इसको इधर ट्रांसफर करोगे LHS में, this becomes cos 3 theta plus 3 cos theta, तो ये किसके इक्वल होगा? 4 cos q theta से. This becomes 4 cos q theta upon what we can write down, 3 sin theta minus 3 sin theta minus sin 3 theta. तो दिस इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो 3 sin theta minus किसको? sin 3 theta को आप RHS में ट्रांसफर करेंगे तो this becomes 3 sin theta minus sin 3 theta, and minus 4 sin q theta को you have to transfer this in LHS. तो this becomes 4 sin q theta. तो क्या हो जाएगा आपका? This becomes 4 sin q theta. तो 4 and 4 will be cancel out. Cos q theta upon sin q theta, this will be cot q theta. This point is clear or not? This becomes cot q theta. Next question, question number 2. What is the value of this sin 5x minus 2 sin 3x plus sin x upon cos 5x minus cos x? This you have to do. ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका? तो सेम एज आप इसमें दो फॉर्मूले आपके बने, ठीक है? तो एक आपका माइनस टू साइन थ्री एक्स है, तो इसके साथ क्या करोगे आप? साइन फाइव एक्स माइनस साइन थ्री एक्स, एंड दिस बिकम्स माइनस या प्लस साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स. दिस इज क्लियर और नॉट? एंड द लोअर पार्ट विल बी कॉस फाइव एक्स माइनस कॉस एक्स. दिस इज क्लियर? So you can solve this. So देखो sin c minus sin d. What is sin c minus sin d? C minus sin d. Yes. 2 into cos. That is in the previous class. 2 into cos. C plus d by 2. So 5 plus 3, 8 by 2 is 4x into sin. B minus. मतलब c minus 3 by 2. So 5 minus 3, 2. 2 upon 2. So 1 हो जाएगा plus. And this becomes sin x minus sin 3x. और 2 into cos 4 मतलब 2x. 2x into sin x minus 3x. x minus 3x will be how much? 1. Sin 1. तो minus हो जाएगा. तो minus of sin x. Clear a point. This becomes minus of sin x. Upon what would be the next part? Cos formula in cos. Cos 5x. Minus cos x. So this becomes 2 into cos c minus cos t. So 2 into cos c. Cos c minus t. So sin c plus t by 2 into sin d minus c by 2. सब को clear है? So 2 into sin c plus t by 2. So sin 5x plus x. That is 6x upon 2. 3x into sin c minus t. So d minus c by 2. So x minus 5x. That is equal to minus 4x to minus 2x. So मतलब sin 2x और इसके आगे आपका minus आ जाएगा. Clear है सबको? तो अब देखो इसमें से क्या कॉमन ले लोगे आप?
इसमें से क्या कॉमन लोगे, या अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है बताइए, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, साइन एक्स आ रहा है कॉमन ना, यू कैन टेक साइन एक्स कॉमन एंड टू भी ले सकते हैं आप, तो टू साइन एक्स कॉमन आपका यहाँ से आ रहा है। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस कॉस फोर एक्स माइनस कॉस टू एक्स, ठीक है, अपॉन दिस बिकम्स माइनस टू साइन 3x into sin 2x, this is clear or not? ये two और two cancel out हो जाएगा, ठीक है? अब देखो cos 4x minus cos 2x, तो आप देख लो इसमें एक इसमें से cancel out हो जाएगा, देखो cos c minus cos t, तो cos c plus 2 into sin c plus t by 2, तो 2 into sin 3x हो जाएगा, और into 2x minus x तो sin x हो जाएगा, ठीक है? समझ में आया सबको? तो दिस बिकम्स व्हाट, इसको लिख सकते हैं sin x into, और ये हो जाएगा आपका 2 into sin 2 into, ये क्या हो जाएगा sin 3x 4 plus 2 4 plus 2 6x upon 2 sin 3x into, सबको समझ में आ रहा है ना, sin c d minus c by 2 तो 2x minus 4x minus 2x minus 2x upon x minus x, तो minus इसके आगे आप apply करते हैं, sin x हो जाएगा upon, this is minus sin 3x into sin 2x, clear है ना सबको, समझ में आ गया कैसे करना है, minus minus cancel out, sin 3x से sin 3x cancel, clear है सबको? अब देखो ये क्या हो जाएगा 2 into sin x into sin x, और ये नीचे हो जाएगा आपका sin 2x, तो sin 2x का formula लिखोगे 2 sin x into cos x, तो ये आपका ये this and this will be cancel out, तो sin x upon cos x that will be tan x, this point is clear or not? clear है सबको, किस तरह से इसको आप करेंगे क्वेश्चन को? यस, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, इफ a इज इक्वल टू a sin 170 डिग्री प्लस cos 170 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, इफ a इज इक्वल टू 1 sin 170 डिग्री प्लस cos 170 डिग्री इज इक्वल टू, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, देखो sin 170 डिग्री बताओ कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 170 9 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ कैसा होता है, ये ठीक है, ये आपका साइन एक्स का ग्राफ होता है, समझो यहाँ पे दिस इज द ग्राफ ऑफ योर साइन एक्स, इस तरह से होता है, ठीक है, कॉस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कॉस एक्स का ग्राफ इस तरह से होता है, लाइक दिस यू कैन से दिस इज कॉस एक्स एंड दिस इज क्या हो जाएगा साइन एक्स, तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है, ठीक है, तो साइन 170 डिग्री की हम वैल्यू नहीं बता सकते, ये पॉजिटिव होगा और ये क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, तो ग्राफ देखना है कि कहाँ डोमिनेट करता है, क्लियर है आपको, कौन बड़ा होगा कॉस एक्स बड़ा होगा कि साइन एक्स बड़ा होगा, तो देखो आप यहाँ पे ये आपका क्या है, दिस इज योर जहाँ पे दोनों ग्राफ कट रहे हैं, ये कौन सा पॉइंट है, ये जो है आपका कौन सा पॉइंट, ये पाई बाई फोर है, इसलिए पाई बाई फोर पे दोनों की वैल्यू क्या होती है सेम होती है, अब देखो ये यहाँ पे जो होगा आपका ये पाई बाई टू होगा, तो पाई बाई टू यहाँ पे होगा, दिस इज क्लियर ना, एंड दिस इज योर पाई, तो देखो पाई, देखो पाई बाई टू से पाई के बीच में, पाई से पाई बाई टू के बीच में, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, अलग अलग ग्राफ बना दे, एक में कोरिलेट हो गया क्या, अलग अलग बना देते हैं, देख लो ऐसे, दिस इज योर साइन एक्स, ठीक है, ये आपका हो जाएगा जीरो, दिस इज योर पाई बाई टू एंड दिस इज पाई, तो पाई बाई टू और पाई के बीच में देखना है, और ये आपका कॉस एक्स का ग्राफ हो जाएगा, दिस इज योर ग्राफ ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जीरो एंड दिस इज योर पाई बाई टू एंड दिस इज योर पाई, तो समझो यहाँ पे पाई बाई टू पे ये क्या होता है जीरो, और पाई बाई टू से पाई की तरफ जब बढ़ते हैं तो ग्राफ ही नीचे जा रहा है, समझ आ रहा है, नीचे जा रहा है किधर, पाई के टुवर्ड्स, क्लियर है ना, ओवरऑल दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट, क्लियर है, तो ये आपका ओवरऑल किधर जा रहा है, पाई के टुवर्ड्स में जा रहा है, नेक्स्ट देखो पाई बाई टू से पाई के बीच में जब आ रहा है, ये इसकी वैल्यू कम हो रही है, घट हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज कहाँ से कहाँ तक, ये आपका क्या है 1 से 0 की तरफ डिक्रीज हो रही है, तो 1 से 0 की तरफ जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो है 0 पॉइंट समथिंग यहाँ पर होगा 170 डिग्री पर, इसलिए साइन 1 आप ऐसा फाइंड आउट कर सकते हो कि 120 90 प्लस 60 ले लो तो 150 डिग्री की वैल्यू तक फाइंड आउट कर सकते हो, तो 150 डिग्री आपका कितना होगा 1 बाई टू मतलब 0.5 से इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं कम रही होगी, ये क्लियर है सबको, इसका क्या होगा
cos 170 डिग्री, तो 170 मींस 5 के नजदीक, यहां पे वैल्यू नेगेटिव में ज्यादा रहे होगा, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, मतलब 0.5 से ज्यादा रहे होगा, तो ये नेगेटिव वाला का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और पॉजिटिव वाले का कम है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है आपको कि नहीं क्लियर है? यस, दिस इज नॉट क्लियर टू यू। ये नेगेटिव cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव में हमें मैग्नीट्यूड देखना था कि किसका ज्यादा हुआ किसका कम हुआ, तो हम ग्राफ के जरिए देख सकते हैं। देखो पाई के टुवर्ड्स में अगर साइन थीटा जाता है तो उसकी वैल्यू कम होते जाती है, और cos थीटा पाई के टुवर्ड्स में जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ते जाती है, बट वो नेगेटिवली बढ़ती है, नेगेटिव वैल्यू, उसके साथ माइनस साइन लगा हुआ होता है, क्लियर है ना? तो माइनस साइन लगा हुआ जो है उसके उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा है, इसलिए इसका इसकी वैल्यू ज्यादा है। समझ में आया कि नहीं आया? इसके ऊपर बेस्ड जो है ना, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपका कंफर्म मेथड है, कंफर्म मेथड है, इसको हम कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ इसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी नेगेटिव ही होगी। कैसे देखते हैं इसी पार्ट के ऊपर, हम आपको बता रहे हैं a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c। अगर ऐसे आपको लिखा है, सपोज दिस इज रिटन कि a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c, तो आप क्या करते हो, व्हाट यू हैव टू डू, डिवाइड दिस बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आप लोग करते हैं। उसके बाद जो है दोनों साइड में cos और sin बनाने की कोशिश करते हैं, वहां पे cos a * cos b या cos a * sin b + sin a * cos b का टर्म आता है इज इक्वल टू c। दिस इज क्लियर और नॉट? देखो ये आपका cos x है और ये आपका sin x है, तो सपोज दिस इज योर, अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको सपोज करना है, दिस इज योर जीरो, ओरिजिन 0,0, दिस इज योर आर, मतलब इसका आप ऐसे कर लो पोजीशन वेक्टर मान लो एक पॉइंट का, ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया आर, क्लियर है? दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, इसका डिस्टेंस जो होगा वाई एक्सिस से वो आपका हो जाएगा बी, ठीक है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होगा, क्या समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये पॉइंट आपका है, दिस इज योर पॉइंट, ये पॉइंट कोई है आपका, तो इसको अगर पोजीशन वेक्टर देखेंगे तो पोजीशन वेक्टर इज द डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द ओरिजिन, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा आर, दिस वी हैव टेकन कि आर जो है इसका ओरिजिन से डिस्टेंस हो रहा है। अब देखो बी जो है, बी डिस्टेंस कहाँ से, एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का, एंड जो है वो ए डिस्टेंस है इस पॉइंट का कहाँ से, वाई एक्सिस से, दिस इज योर एक्स एक्सिस and this is your y-axis, that you can see, this is your x-axis and this is your y-axis, this point is clear to you or not? अब इसमें देखो a cos x plus b sin x is equal to c, it is given, right? This, अब क्या करेंगे, a की value, इसको मान लो आप theta, this you can suppose theta, a की value r के term में क्या हो जाएगी, a की value r के term में what we can say, तो देखो ये क्या है, theta के लिए आपका perpendicular है, ये क्या है, base है, clear है सबको, ये क्या आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूस है, तो देखो बेस और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन कौन एस्टैब्लिश करता है, cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू a / r, a इज इक्वल टू r cos थीटा, cos थीटा, दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? दिस पॉइंट इज क्लियर, a इज इक्वल टू r cos थीटा, यू कैन राइट डाउन r cos थीटा, दिस पॉइंट इज क्लियर, इनटू cos x, मैट्रिक टू सॉल्व, या इसमें हेडिंग में लिखेंगे मैट्रिक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ of the form a cos x plus b sin x is equal to c, that you can say, ठीक है? तो अब देखो next part of this, b की value क्या हो जाएगी, what we can say, b की value similarly, तो b इसके लिए क्या है, hypotenuse है, तो sin theta लेकर establish करेगा, तो sin theta is equal to b upon r, तो b की value हो जाएगी r sin theta, this point is clear or not? इसलिए कि थीटा sin थीटा इज इक्वल टू b / r, तो b इज इक्वल टू r sin थीटा, दैट यू कैन राइट नाउ, दिस इज क्लियर टू यू? ओके, तो b इज इक्वल टू r sin थीटा * sin x इज इक्वल टू c, दिस इज क्लियर? अब देखो cos a * cos b, r दोनों में कॉमन आ जाएगा, एंड दिस बिकम्स cos थीटा * cos x + sin थीटा * sin x इज इक्वल टू c, दिस इज गिवन, cos theta into cos x plus sin theta into sin x is equal to c. So this is cos a into
cos a into cos b plus sin a into sin b, किसका फॉर्मूला होता है? cos a minus b, तो cos theta minus x is equal to c. This is clear or not? This is clear ना? अब r की वैल्यू हमें a और b के टर्म में लिखनी है. r की वैल्यू a और b के टर्म में क्या हो जाएगी? इसको स्क्वायर करके ऐड कर दो. This is equation 1, this is equation number 2. इसको अगर दोनों पे स्क्वायर करके ऐड करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. टेक r स्क्वायर कॉमन फ्रॉम दिस टू, दिस बिकम्स r स्क्वायर cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, दैट यू नो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. दिस बिकम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू cos. अब थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो यहां से देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइड कर दो, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट वी कैन राइट डाउन b अपॉन a. तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a. दिस इज क्लियर और नॉट? यस सर. तो ये आप लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a माइनस x इज इक्वल टू c. अब इसमें cos में इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, cos में माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तब भी cos ही हुआ, तो x minus tan inverse b upon a is equal to c, और ये होता आपका under root of a square plus b square. This is your part. This is clear or not? Clear है सबको? This point is clear to all of you or not? Clear है ना? Yes. This is clear? Okay. ये आपका पूरा formula होता है उस form में solve करने का, जो भी आपके trigonometric equation होते हैं. और इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आते हैं, मेथड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशन. इसको आप लिख लो, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे. समझ में आ रहा है ना आपको? yes. जैसे क्वेश्चन में आपको इस तरह से बोला जाए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 5. इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? 3 sin x प्लस 4 cos x इज इक्वल टू 5. तो इसको सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड हैं, या टू मेथड्स. फर्स्ट नंबर आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर दो, या अगर आपको नहीं भी याद है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो इस केस में, इसको पहले फर्स्ट फॉर्मूला को अप्लाई करके देखते हैं. This becomes under root of a square plus b square. Under root of a square plus b square क्या हो जाएगा? 3 का square plus 4 का square. This is clear or not? Into cos of x minus tan inverse b by a. तो b क्या है? a cos x plus b sin x. तो b जो है वो आपका 3 है. तो x minus tan inverse of b 3. तो 3 upon 4 is equal to 5. This is clear or not? तो अब देखो ये आपका क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दिस इज 5. 5 इनटू cos ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 5, एंड 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस बिकम्स cos ऑफ x माइनस tan इनवर्स 3 / 4 इज इक्वल टू 1. अब देखो 1 किस पे होता है? ये cos 0 पे होता है. समझ में आ रहा है ना सबको? यहां पे क्या हो जाएगा? 1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? व्हाट यू कैन राइट cos 0 डिग्री. तो x माइनस tan इनवर्स ऑफ 3 upon 4 is equal to 0. x की वैल्यू हो जाएगी आपकी tan inverse of 3 by 4. This point is clear or not? ये tan inverse b upon a minus x, x minus x minus tan inverse b upon a भी लिख सकते हो, इसलिए because ये होता है इतना cos of minus theta is equal to cos theta. Yes, that's why you can write on this x minus tan inverse of b by a. This is clear to you or not? Clear है? तो next देखते हैं आगे. टू इम्पोर्टेंट रिजल्ट, और इसके इससे रिलेटेड जो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लाए हैं क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में लाए, ठीक है? तो देखो आप उससे रिलेटेड जो है डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है. टू इम्पोर्टेंट रिजल्ट, इस रिजल्ट के ऊपर जो है काफी ज्यादा डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं. देखो पहला रिजल्ट है आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सर, क्या नंबर ये वाला क्वेश्चन कौन सा सर? इसी के
पीक वैल्यू PQR नहीं नहीं ये इसके ऊपर बेस्ट नहीं है नहीं नहीं ये इस पे बेस्ट नहीं है हम आपको बताएंगे इक्वेशन इसके ऊपर बेस्ट नहीं है sin थीटा plus cos थीटा का होल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा जी दिस बिकम्स 1 plus sin 2 थीटा लिख सकते हैं आप लोग 1 plus sin 2 थीटा दिस इज क्लियर ना तो sin थीटा plus cos थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 plus cos 2 थीटा अब ये स्क्वायर रूट हम लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ sin थीटा या ऐसा लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस अगर इसको लेते हैं 1 प्लस साइन 2 थीटा ये काफी इंपॉर्टेंट है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2 थीटा तो ये क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दैट यू नीड टू रिमेंबर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू नेक्स्ट रिजल्ट इज दिस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा ये इसलिए लिख रहे हैं कि आपको ये चीज समझ में आए डायरेक्टली लिखते तो नहीं समझ में आता तो sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा दिस बिकम्स 1 माइनस sin 2 थीटा तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin 2 थीटा यू हैव टू राइट डाउन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ sin थीटा माइनस cos थीटा दिस इज क्लियर और नॉट दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin 2 थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ sin थीटा माइनस cos थीटा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस यू हैव टू स्टडी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस ओके नेक्स्ट पार्ट इसमें है इसमें और इम्पोर्टेंट जो है वो रिजल्ट्स हैं वो हम आपको लिखाएंगे थीटा एक होता है एक 60 माइनस थीटा और एक 60 प्लस थीटा इसके ऊपर हमें बेस्ट एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में तो उसके ऊपर जो है बेस्ट क्वेश्चन था उसको हम लोग कर लेते हैं यस लिख लिया आप लोगों ने दिस इज क्लियर टू यू ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप ये वाला पार्ट ये वाला क्वेश्चन कल जो हम लोग किए थे ना बड़ी वाला क्वेश्चन सुपर बेस्ट काफी होते हैं अभी ये वाला देखो साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स ये क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ट है ठीक है तो आपको इसमें निकाल वैल्यू फाइंड आउट करनी थी tan x माइनस y इज इक्वल टू 2 की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करनी थी तो इसी के ऊपर बेस्ट है अब देखो इसको जब ट्रांसफर करोगे ये क्या हो जाएगा sin x plus cos x sin x plus cos x और ये हो जाएगा आपका cos y माइनस sin y क्लियर है तो ये sin x plus cos x को आप ये लिख सकते हो sin theta plus cos theta under root of 1 plus sin 2 theta this is clear ना ये हो जाएगा under root of 1 plus sin 2x and this becomes under root of 1 minus sin 2y this is clear or not ये हो जाएगा ना sin theta minus cos theta तो ये क्या हो जाएगा आपका under root of या minus ले लो आप इसके आगे माइनस करेंगे तो वो एक्सपेंशन करोगे होल स्क्वायर करोगे तो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा क्लियर है ना तो होल स्क्वायर जब करेंगे तो 1 प्लस साइन 2 एक्स
इक्वल टू वन माइनस साइन टू वाई, ये आएगा आपका पॉइंट, ये वन एंड वन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन टू एक्स इज इक्वल टू, साइन टू एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन टू वाई, टू वाई को अंदर ले जाओ तो टू एक्स इज इक्वल टू माइनस टू वाई, क्लियर है? यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वाई, दिस इज क्लियर और नॉट, x की वैल्यू माइनस वाई आ जाएगी, x की वैल्यू माइनस वाई मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? अब इसके बाद जो है tan x माइनस वाई अपॉन टू, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब x की वैल्यू आप माइनस वाई इसमें पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं ये वाला नहीं, क्वेश्चन जो है आएगा वैसे इसमें भी tan, एंड दिस बिकम्स x की वैल्यू जो है x प्लस वाई आपको ऐसा लेना है जो जीरो आ जाएगा, जो हमारा लास्ट में कंडीशन आया था ना x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू आपको ऐसा लेना है, y की वैल्यू ऐसे लेनी है कि ये जीरो आ जाए, एक्चुअल में ये आपका क्या हो जाएगा x माइनस, अगर यहाँ पे माइनस वाई रखते हैं तो माइनस टू वाई अपॉन टू, दिस बिकम्स tan ऑफ माइनस वाई, ठीक है, tan ऑफ माइनस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे और y की वैल्यू क्या लेंगे कि दोनों की वैल्यू जो है वो जीरो आ जाए, x की वैल्यू अगर हम पाई बाई फोर लेते हैं, ठीक है, और y की वैल्यू कितनी लेंगे, माइनस पाई बाई फोर, ये जीरो आ जाएगा, क्लियर है सबको, तो आपका ये हो जाएगा tan ऑफ माइनस पाई बाई फोर, ठीक है, तो tan ऑफ माइनस पाई बाई फोर, तो वन इसका आंसर होगा, ठीक है, ये आपको इस तरह से करना था, ये भी आपका दूसरा मेथड हो जाएगा, माइनस ऑफ वाई है ना, tan ऑफ माइनस ऑफ वाई, तो माइनस ऑफ माइनस पाई बाई फोर, ये देखो x की वैल्यू हमने क्या लिया पाई बाई फोर, y की वैल्यू हमने लिया माइनस पाई बाई फोर, और tan ऑफ माइनस वाई है तो tan ऑफ माइनस पाई बाई फोर, तो tan पाई बाई फोर हो जाएगा, और tan पाई बाई फोर कितना हो जाएगा, tan पाई बाई फोर, क्लियर है ना, tan पाई बाई फोर आपका हो जाएगा वन, सी नंबर ऑप्शन, क्लियर है, तो ये क्वेश्चन इस मैट्रिक्स से भी हो सकता था, इस फॉर्मूले से भी, नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज इंपॉर्टेंट results you can see, जैसे for example it is written sin theta आपको दिया हुआ है into sin, ऐसा ले लो इस तरह से sin theta 60 minus theta into sin 60 plus theta, इसकी value क्या होगी, तो sin 60 minus theta इंटू साइन थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसका हो जाएगा आपका 1/4, सबसे पहले आपको क्या करना है 2 से इसको डिवाइड करके साइन ए 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी आपको अप्लाई करना है, उसके बाद फर्दर सॉल्व करने के बाद आपका एक यहाँ पे साइन थीटा बचेगा और दूसरा आपका जो भी रिमेनिंग पार्ट है तो उसके साथ आप साइन ए इंटू साइन बी अप्लाई करोगे, इसका जो रिजल्ट होता है आपका 1/4 sin 3 थीटा, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जी प्लस माइनस बना लेते हैं, सेकंड जो है आपका cos 60 माइनस थीटा, काफी इंपॉर्टेंट है, इनटू cos थीटा इनटू cos 60 प्लस थीटा, 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा, cos 3 थीटा, दिस इज क्लियर ऑफ मार्क, यस सर, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज tan 60 minus theta into tan theta into tan 60 plus theta is equal to, इसमें 1/4 नहीं होता, इसमें डायरेक्टली हो जाता है tan theta, क्लियर है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इसके ऊपर ऐसे बेस्ड आएगा आपका sin 20 degree into sin 40 degree into sin 80 degree, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, इसकी वैल्यू कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे फिक्स, तो देखो सबसे पहले ये आपका क्या है थीटा है, सबसे छोटा वाला क्या होगा, आपको एनालाइज करना है सबसे जो छोटा होगा वो आपका यहाँ पे थीटा, अब देखो बन रहा है कि नहीं थीटा 60 माइनस थीटा 60 माइनस 20 कर लेंगे, ये देखो ये क्या हो जाएगा आपका 60 माइनस 20 एंड ये हो जाएगा आपका 60 प्लस 20, देखो ये 60 प्लस थीटा, दिस इज 60 प्लस थीटा के फॉर्म में बन रहा है एंड दिस इज योर व्हाट 60 माइनस 60 डिग्री माइनस थीटा, तो दिस इज 60 डिग्री प्लस थीटा 60 डिग्री माइनस थीटा एंड ये थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 इनटू sin 3 थीटा एंड दिस बिकम्स 1/4 इनटू sin 3 इनटू
23 सा 60, तो sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 3 बाई 2, दिस बिकम्स रूट 3 बाई 8 इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट? डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, सेकेंड नंबर क्वेश्चन इस तरह से आपको एग्जाम में आया हुआ है, साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू के साइन 3 थीटा। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1/2, ऑप्शन नंबर बी है 1/4, ऑप्शन नंबर सी इज 3, ऑप्शन नंबर डी इज नॉन ऑफ दिस। क्या होगा आंसर, 1/4, नॉन ऑफ दिस कौन बोल रहे हैं, 1/4। तो के की वैल्यू पूछा जा रहा है इसमें, के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कंपेयर कर दो इससे, दिस बिकम्स 1/4। अरे ऐसे भी हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करके 2 sin a dot cos a का फार्मूला बनेगा। हां वही सेम है, 2 से क्या करेंगे इसमें, मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 sin a into sin b बनेगा। उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट आएगा उसको आप साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करके फिर 2 साइन साइन भी बनाओगे, तो दो बार लगेगा ना, दो बार अपॉन में 2 डिवाइड करना पड़ेगा, तो दो बार अपॉन में 2 जब आप डिवाइड करेंगे इसलिए ये 1/4 आया है। क्लियर है पॉइंट, 1/2 एक वन टाइम करेंगे तब इसको एक साथ लेंगे और फिर दूसरे बार लेंगे जो रिमेनिंग पार्ट होगा तो वो भी 1/2 आ जाएगा, तो 1/4 इसीलिए आता है इसमें। क्लियर है आपको, तो के की वैल्यू यहाँ पे आएगी 1/4। This point is clear to all of you or not? सबको clear है? आपको समझ में आ रहा है? अब जो है इसके बाद जो है हम लोग जल्दी से थोड़ा सा पढ़ते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल, रूल ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, रूल ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो समझो यहाँ पे रूल ऑफ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो समझ में आ रहा है। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, अगर ऐसे लिखा गया हो आपको ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, दिस इज क्लियर, क्लियर नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है दिस ये वाले सर कोई भी फॉर्मूले जैसे वो हाफ एंगल टाइप वाले फॉर्मूले तो उनके थोड़ा सर काफी तेज हो जाते हैं, काफी आप 2 sin a into sin b का फॉर्मूला लगा दोगे, तो 2 sin इसको एक साथ ले लो 60 माइनस थीटा को और into sin 60 प्लस थीटा एक साथ लोगे into sin थीटा हो जाएगा, एंड 2 से जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 2 से यहां पे डिवाइड भी करना होगा, इसको एक साथ लेंगे तो 2 sin a into sin b, yes 2 sin a into sin b क्या होता है, sin बताइए cos a माइनस b, ठीक है a माइनस b तो cos a माइनस b, तो a क्या है आपका 60 माइनस थीटा माइनस 60 प्लस थीटा, तो 2 इनटू मतलब cos a माइनस b ये हो जाएगा आपका, फिर उसके बाद क्या करेंगे प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस cos a प्लस b, क्लियर है सबको, माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी में क्या हो जाएगा 60 माइनस थीटा एंड प्लस 60 डिग्री प्लस थीटा, दिस इज क्लियर ना, इनटू साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे माइनस थीटा प्लस थीटा विल बी कैंसिल आउट और ये देखो 60 और 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आएगा 1/2 इनटू कॉस 2 थीटा माइनस और दिस बिकम्स कॉस 60, कॉस 60 क्या हो जाएगा 120 ना, 60 प्लस 60 120, 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी cos 90 प्लस अंडर रूट 3 बाय 2, 120 की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 60, यस तो 180 माइनस 60 मींस समथिंग सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस कितना हो जाएगा 1/2, क्लियर है सबको, यस माइनस 1/2 समझ में आ रहा है आपको, तो
प्लस वन बाई टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस वन बाई टू इंटू साइन थीटा। दिस इज क्लियर और नॉट क्लियर है? अब देखो आपको क्या करना होगा, कॉस टू थीटा को आपको किस में कन्वर्ट करना है, साइन थ्री थीटा को टर्म लाना है, तो इसमें इसको साइन में आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? अब ये आपका वन बाई टू हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे, समझ में आया, कॉस टू थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और साइन थीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आगे आएगा आपका इसमें, देखो दिस बिकम्स वन बाई टू कॉस टू थीटा प्लस दिस बिकम्स वन बाई फोर और ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। क्लियर है सबको? अब इसको प्रूफ है ये इसका, आप प्रूफ पूछ रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? तो ये आप क्या हो जाएगा, फिर आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो फोर ये टू कॉस टू थीटा हो जाएगा। खैर इसको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली भी यहां से कर सकते हैं कि 1 बाई टू आपका कॉमन हो ही जाएगा और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस टू थीटा एंड प्लस 1 बाई टू साइन थीटा। क्लियर है पॉइंट? अब आप इसमें क्या करेंगे, व्हाट यू हैव टू डू, इसमें आपको 2 से क्या करना है, 2 साइन थीटा इंटू 2 साइन ए इंटू कॉस थीटा, इसका इसमें फॉर्मूला आपको लगाना है, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे आप, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई टू हो जाएगा। क्लियर है? 1 बाई टू इसमें भी है, 1 बाई टू इसमें भी है, 1 बाई फोर बाहर आ जाएगा। दिस बिकम्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस टू थीटा और प्लस साइन थीटा, समझ में आया आपको? तो यहां से आप फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, समझ में आया? 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी। क्लियर है सबको? साइन ए प्लस बी, 2 sin a into cos b क्या हुआ, sin a plus b, तो sin theta plus 2 theta sin 3 theta into sin a minus b, sin a minus b क्या हो जाएगा, theta minus 2 theta into थोड़ी होता है, 2 sin a into cos b, इसका फॉर्मूला 2 sin, आपको सब बिल्कुल अच्छे से याद रहना चाहिए, 2 sin a into cos b ये क्या हो जाता है, sin a plus b and plus sin a plus b, ठीक है? साइन ए प्लस बी और इसके बाद ये क्या होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस माइनस और प्लस साइन ए माइनस बी होगा, साइन ए इंटू कॉस बी है ना, टू साइन, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है तो माइनस हो जाएगा आपका साइन ए माइनस बी, मतलब प्लस में हो जाएगा, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दिस इज क्लियर ना? अब इसमें प्लस में लिख दो आप, ये क्या हो जाएगा, दिस इज साइन थीटा माइनस टू थीटा, तो माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। क्लियर है? तो ये माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया? हां सर, वो कैंसिल, एंड दिस इज बिकम्स प्लस sin थीटा एंड ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sin 3 थीटा अपॉन 4, ये कहां पे लिखा हुआ है, समझ में आया ना सबको? यस, तो ये इसका प्रूफ हो गया, और ये है प्रूफ करते बैठे बहुत लंबे लंबे, समझ में आया? तो ये इसका प्रूफ है, प्रूफ करने क्या जरूरत है, अगर इन दोनों का प्रूफ, इसमें क्या नहीं समझ में आया, सर सर फॉर्मूले बैठ गया, अच्छा बैठ गया, तो आपको क्लियर हो गया ना, बैठ गया। अब नेक्स्ट इज cos 60 minus theta into cos 60 theta into cos 60 plus theta is equal to 1 by 4 cos theta। इसका भी प्रूफ कर लोगे आप, ठीक है? तो आप हल से करके करना प्रूफ इसका। नेक्स्ट कंपोनेंट और डिविडेंडो का रूल हम लोग देखेंगे जल्दी। ये समझ ली, इज इक्वल टू c अपॉन d, इफ दिस इज गिवन a by b is equal to c upon d, अगर ऐसे दिया गया हो तो आप इसमें चार ऑपरेशन कर सकते हैं, कौन सा, मतलब चार जो है वो रूल्स आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं कंपोनेंट और डिविडेंडो का, n माइनस डी अपॉन n प्लस डी, या आपको कर सकते हैं आप n प्लस डी अपॉन n माइनस डी, यू कैन से सब में आंसर सेम आएगा। तीसरा आपका होगा यहाँ पे d प्लस n अपॉन d माइनस n एंड नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज d माइनस n अपॉन d प्लस n, दिस यू कैन लिख। तो ये n माइनस डी क्या हमने लिखा है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यस सर, न्यूमरेटर मींस जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, उसको हमने n किया है और डिनोमिनेटर मींस नीचे वाला जो पार्ट है, इसको ऐसे हम लोग लिखेंगे n माइनस t, मतलब न्यूमरेटर a माइनस और डिनोमिनेटर b, डिनोमिनेटर हो गया हर, इसको n को बोलते हैं, न्यूमरेटर को बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को हम लोग बोलते हैं हर, तो a माइनस b अपॉन a प्लस b यू कैन राइट इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, c माइनस d अपॉन c प्लस d, दैट यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू दिस। बस आपको ये अपने माइंड में रखना है यार थोड़ा सा, अब इसमें भी याद नहीं रखना है, कुछ नहीं याद रखना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में इसके सबट्रैक्ट करना है और एक में नीचे जब इसका डिनोमिनेटर साइड होगा तो उसमें न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर आपको ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर,
तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या है आपका a प्लस बी अपॉन और वी कैन से a माइनस बी इज इक्वल टू दिस बिकम c प्लस डी अपॉन c माइनस डी, दिस इज क्लियर नाउ? a plus d, a plus b upon a minus b is equal to c plus d upon c minus d, देखो n plus d upon n minus d आपको लिखा हुआ, मतलब numerator plus denominator, numerator में क्या है a और denominator में आपका है b, a plus b upon a minus b, numerator plus minus denominator, तो a minus b आपका होगा। Similarly you can write for the RHS, ठीक है, right hand side के लिए भी आप लिख सकते हैं। Next point is d plus n upon d minus n, ये आपका perform करना है, तो d plus n means what? b plus a means b plus a, b plus a upon b minus a is equal to, you can write down this as d, same as a d minus c, sorry d plus c upon b minus, you can write, clear है आपको? Okay, next part of this, a plus a, sorry d minus a है ना, b minus a upon b plus a is equal to d minus c upon d plus c, so this is the rule of componendo and dividendo। इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में साइन थीटा इंटू साइन टू थीटा इंटू साइन थ्री थीटा ऐसे फॉर्मूलेस हैं वो भी पढ़ेंगे, फिर साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा प्लस साइन थ्री थीटा साइन ए प्लस साइन ए प्लस डी, मतलब उसके जब आर्गुमेंट इसमें हो एक ए पी को फॉर्म करें उस केस में उसकी वैल्यू क्या होगी, ये सब चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में अभी देखेंगे, ठीक है? अभी एक क्लास डेढ़ क्लास और लगेगी आपको, हिंदी में क्या कहते हैं सर, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में आपको बोलते हैं पूरकता और, ठीक है, पूरकता इसको बोलते हैं कंपोनेंडो, ठीक है, और डिविडेंडो को भाजकता, दैट वी कैन से। तो समझ में आया, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, आप बस ये याद, ये आपको बस माइंड में रखना है। ओके स्टूडेंट, आई विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इन द नेक्स्ट क्लास।